रेलवे की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। अब जो है तेजस ट्रेन, अब समस्या क्या है कि जैसे दानापुर मंडल है, दानापुर मंडल किसी प्राइवेट एजेंसी को दे दिया जाएगा, उसमें डीआरएम वीआरएम रैंक के अधिकारी जो है ना वो सरकारी रहेंगे, और बड़े बड़े अधिकारी जो है सरकारी स्टेशन मास्टर एक स्टेशन पे बैठेंगे, तो तीन चार अधिकारी वो सरकारी रहेंगे, बाकी सब प्राइवेट रहेंगे। अभी जो है आप पता कीजिए तेजस ट्रेन कैसे चलाया जा रहा है, आप पहले इसके बारे में पता कीजिए कि तेजस ट्रेन किस प्रकार से चलाया जा रहा है। जैसे सड़क, सड़क आज भी सरकार का ही है, वैसे ही रेलवे ट्रैक सरकार का ही रहेगा, ट्रैक बनाएगा कोई और, जैसे सड़क कोई और बनाता है और टोल लेता है, तो ट्रैक बनाएगा कोई और उस ट्रैक पे जब ट्रेन चलेगी तो वो सेक्शन वाइज सेक्शन ट्रैक बनाएगा और उससे टोल लिया जाएगा। तो सेम सड़क वाला कंडीशन जो है ना, एनएचएआई वाला कंडीशन जो है ना रेलवे पे अप्लाई किया जा रहा है सेम। इससे क्या हो जाएगा, रेलवे जो है वो 90% प्राइवेट हो जाएगा, 100% प्राइवेट नहीं होगा, 90%। जैसे एनएचएआई में अभी भी सरकारी इंजीनियर होते हैं, एनएचएआई के बहुत सारे सरकारी इंजीनियर होते हैं, लेकिन 90% जो है प्राइवेट इंजीनियर एनएचएआई में काम करते हैं। वैसे रेलवे में 10% जो है सरकारी अधिकारी काम करेंगे, कर्मचारी काम करेंगे, और 90% प्राइवेट। इस प्राइवेटाइजेशन के को मतलब कि बढ़ावा देने के लिए ये आरआरबी के अधिकारियों ने एनटीपीसी का रिजल्ट गलत घोषित किया। अब एनटीपीसी चला गया है जांच में, अब कोर्ट में जाएगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख होगा, और उसके बाद से क्या होगा वो पता नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम आर्मी के बाद रेलवे हो गया, रेलवे के बाद अब आते हैं हम लोग एसएससी में कैसे कम किया गया, और उसके अलावा जो है एक और डिपार्टमेंट है आर्मी रेलवे एसएससी और बैंकिंग। हाँ बैंकिंग इंपॉर्टेंट, तीसरे नंबर पे है बैंकिंग। देखिए पहले 18 से 21 साल से नेशनलाइज बैंक था, पहले उसको जो है कस्टमाइज किया गया, कुछ बैंकों को बेच दिया गया, कुछ बैंकों को मर्ज कर दिया गया, वो अभी 10 से कम हो गए और टोटल 6 बैंक सरकार रखना चाहता है, 6। यानी 2024 तक आप देश में सिर्फ 6 बैंक रहेंगे, और फिर 2029 तक का प्लानिंग है कि सरकार जो है ये 6 में से 3 बैंक को खत्म करके 3 ही बैंक रखे। अब मैं बताता हूं कैसे, पहले अलग अलग सेक्टर में जो है अलग अलग टेलीकॉम ऑपरेटर हुआ करते थे, ऑरेंज था, हच था, एस्टेल था, यूनिनॉर था, एयरसेल था, टाटा डोकोमो था, इंडिकम था, आइडिया था, वोडाफोन था, एयरटेल था, जियो था, रिलायंस स्मार्ट था, ये सब अलग अलग टेलीकॉम सेक्टर में अलग अलग टेलीकॉम कंपनियां थी। उसके बाद से एक नीति अपनाया गया, कुछ सस्ते प्लान लॉन्च कर दिए गए, कुछ कंपनियां बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, उसी प्रकार से मर्जिंग का शुरू हुआ, कुछ कंपनियां मर्ज हो गई, किसी में टाटा इंडिकम किसी और को दे दिया, डोकोमो किसी और को दे दिया, एयरसेल किसी और को दे दिया, एयरसेल एयरटेल से मर्ज हो गया, यूनिनॉर एयरटेल से मर्ज हो गया, आइडिया वोडाफोन एक साथ मर्ज हो गए। तो मर्जिंग का वैसे ही बैंकिंग को मर्ज किया जा रहा है, मर्ज किया जाएगा बाद में, अभी जो है 10 है, उसके बाद से 6 किया जाएगा, 6 के बाद 3 कर दिया जाएगा, सिर्फ 3 ही, जैसे अभी 3 टेलीकॉम ऑपरेटर ही है भारत में, तो 3 कर दिया जाएगा। उसमें क्या होगा कि जब 3 हो जाएगा तो सीटें कम हो जाएगी, जो तीसरा सबसे ज्यादा डिफेंस रेलवे के बाद सबसे ज्यादा तीसरा सबसे ज्यादा बैंकिंग सेक्टर जो है जॉब देता था वो जॉब देना बंद हो जाएगा, और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर बूम करना शुरू हो जाएगी। उसके बाद से चौथा आते हैं एसएससी। अब देखिए एसएससी जो है वो मतलब कि सबसे चहेता जॉब होता था मिडिल क्लास बच्चों के लिए, बिलो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास बच्चों के लिए सबसे चहेता जॉब होता था एसएससी। अब धीरे धीरे जो है ना डिपार्टमेंट में प्राइवेट लोग आते जा रहे हैं, प्राइवेट लोग प्राइवेट बहालियां होते जा रही है, ऑडिट प्राइवेट एजेंसियां से कराई जा रही है, सुपरविजन प्राइवेट लोगों से कराया जा रहा है, प्राइवेट इंजीनियर हायर किया जा रहा है, तो प्राइवेट क्लर्क हायर किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डेस्क पे बैठने वाले लोग प्राइवेट हो जा रहे हैं, साफ सफाई प्यून चपरासी सब प्राइवेट हो रहे हैं। तो एसएससी में भी जो है ना अभी वर्तमान समय में 40% जॉब खत्म हो चुका है, 60% बचा हुआ है, और भविष्य में इसको भी खत्म करके 30% पे लाने वाले हैं ये लोग। ठीक है, तो ये इससे जो है ना देखिए ये सब चीजों को समझना होगा, और जब तक हम लोग नहीं समझेंगे, देखिए आप आसानी से मुझे कह सकते हैं कि अरे तू तो कांग्रेसी है इस वीडियो को देखने के बाद, और कुछ वीडियो को देखने के बाद आसानी से कह सकते हैं अरे तू तो भाजपाई है, लेकिन बड़ा मुश्किल होगा आपको कि आप मुझे कह दे कि अरे मनीष कश्यप राष्ट्रवादी है, क्योंकि जब आप राष्ट्रवादी होंगे ना तो राष्ट्रवादी लोगों का सोच और समझ पाएंगे। जैसे हम लोग खान सर को समझते हैं, अरे शुद्ध सोना है वो, सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं, सिर्फ
उनके एक मतलब कि आप सोच सकते हैं कि पेरेंट्स और ये बच्चे कितना प्यार करते हैं उनको। तो उनके पास बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारी जानकारियां हैं और वो देश के बारे में बात करते हैं। हम लोगों को देश के बारे में बात करना चाहिए और किस प्रकार से जो है ना, देखिए सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं। इसके पहले कांग्रेस की थी, उस समय भी अच्छे दिन नहीं थे, अभी है, अभी भी अच्छे दिन नहीं है। अच्छे दिन कब आएंगे? जब सरकार जो है जनता की आएगी। और जनता की सरकार कब आएगी? जब हम देश के नाम पे वोट करेंगे। लेकिन समस्या क्या है, जब देश के नाम पे वोट करते हैं तो वही लोग जो है ना देश को बेचने का प्रयास करते हैं। हम इसलिए फिर हर स्टूडेंट को हम हाथ जोड़ते हैं, बाबू हम ठीक हैं फिलहाल, अगर पुलिस कुछ भी कार्रवाई करती है हमारे ऊपर हम आपको बताएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, पुलिस प्रशासन भी पढ़ी लिखी होती है। ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पे बैठे हैं वो आपकी तरह स्टूडेंट नहीं रहेंगे, वो भी समझते हैं। उन लोग की जिम्मेदारी, बताइए पटना के डीएम और एसपी साहब की इसमें क्या गलती थी, लेकिन प्रेशर तो उनके पास है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए, तो वो लोग भी इसको कर रहे हैं। उन लोग के पास जैसा डिसीजन होगा हम आपको बताएंगे। और हाँ, ये बात हम हमेशा कहते हैं कि जो रेलवे बोर्ड बनाया गया वो इलेक्शन से मोटिवेटेड नहीं है, ये पीएमओ के इंटरफेयर के बाद इसे बनाया गया। हम आप सारे स्टूडेंट जो हमारे साथ खड़े हैं, हम आप सबको भी हम कहते हैं आप लोग को धन्यवाद, और प्रशासन को भी कहते हैं कि देखिए अगर हमारे नाम से कोई आईडी बनी है तो वो हमारी नहीं हो सकती। अगर कोई बराक ओबामा के नाम से आईडी बना के कुछ बनाता है तो उसमें बराक ओबामा को आप अरेस्ट या एफआईआर नहीं कर सकते, तो आप पहले उसकी सत्यता की जांच कीजिए। रही बात खान सर का नाम क्यों आ जाता है, तो ये भैया एक बात बताओ कि विद्यार्थी का इशू रहेगा, टीचर का नाम नहीं आएगा। हाँ, आप पूजा करिएगा और गणेश जी का नाम नहीं होगा, कोई भी पूजा करिएगा सबसे पहले वहीं से शुरुआत होती है। तो आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर स्टूडेंट से पूछिएगा, उनके इशू में हम साथ रहते तो हमारे लिए खड़े रहेंगे वहाँ पर। तो इसलिए इसको भी समझिए वहाँ पर। और स्टूडेंट से भी कहते हैं देखिए हम आपकी बातों को ले, हम अपना सब कुछ दाव पे लगा दिए, लेकिन हमको इससे हम आखिरी सांस तक स्टूडेंट के लिए रहेंगे, हम बाजी लगा देंगे अपनी जान की जब जब बात आएगी हिंदुस्तान।